2023 में अगर आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट ग्रो करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैनवा और चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए 300 से ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ बना सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग अपना चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें मैंने लिखा है कि मुझे 50 कोट्स जनरेट कर दो सेल्फ मोटिवेशन के रिलेटेड, और मैंने इसे कहा है कि मुझे वो एक कॉलम एक बॉक्स में बना दे, एक टेबल बना के मुझे उनमें प्रेजेंट कर दे। तो ये क्या करेगा, मुझे कुछ इस फॉर्म में दे देगा। तो आप ये एग्जैक्ट जो प्रॉम्प्ट है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या पहले कमेंट से आप ले सकते हैं। ऐसा करने की एक वजह यह है कि एक तो मुझे कोट मिल जाएगा, आल्सो मुझे ऑथर के नेम एक अलग बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये करना है तो हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज़ हमें चाहिए कैनवा। आप कैनवा ओपन कर लीजिए। ठीक है, कैनवा ओपन करने के बाद आप यहाँ पे किसी भी किस्म का कोट सर्च कर सकते हैं। अगर आप रील्स बनाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या सर्च करता हूँ, कोट सर्च करता हूँ टेम्पलेट में, और यहाँ पे हमें ये देखिए 50 के करीब, अगर ये अभी रुक जाए तो आप इसे कंटिन्यू जनरेट कर सकते हैं ताकि वो आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सर्च किया है और यहाँ पे हमारे पास देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कोट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मुझे कोई टेम्पलेट पसंद आता है वीडियो कोट के लिए, लाइक दिस वन इट्स अ गुड टेम्पलेट जिसमें टॉप पे कोट आ रहा है और नीचे यहाँ पे चैनल का नेम और ऑथर का नेम वगैरह भी आप दे सकते हैं। ठीक है, सो ये भी अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है रील्स बनाने के लिए, ये भी अच्छा है। तो खैर ये तो सारे ही अच्छे हैं, तो आप किसी एक टेम्पलेट को यहाँ से पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस वन, हम इस टेम्पलेट को क्लिक करते हैं और इसे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो जैसे ही आप इसे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे कोड्स भी लिखे जा चुके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इनको सारे के सारे कॉपी करके इनको सेव कर सकते हैं एक्सेल की शीट में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शीट्स ओपन कर लेता हूँ, sheets.google.com। आप यहाँ पे चले जाएं या फिर आप अपनी एक्सेल की फाइल में भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोट की वीडियो है। रील्स की हमेशा ड्यूरेशन 10 सेकंड से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप कोट्स वगैरह की रील्स बना रहे हैं, तो आई थिंक इट्स इनफ। ओके, तो ये हमारे पास ये डिज़ाइन है जिसमें यहाँ पे कोट आएगा, यहाँ पे आपके चैनल का नाम आएगा और यहाँ पे आपका आ सकता है एड्रेस। तो हम लोग इसको उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। शीट में आप न्यू शीट बनाएं और क्या करें, यहाँ पे पहले कॉलम पे पहले बॉक्स पे क्लिक करके और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा जिसमें ऑथर नेम भी आ जाएगा और यहाँ पे कोट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पहला कोट यहाँ से कॉपी करते हैं ये वाला, और इस कोट को इसके अंदर चेंज कर देते हैं लाइक दिस। ओके, आल्सो ये जो जगह है, इस जगह पे मैं ऑथर नेम यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑथर नेम को कॉपी करके मैं इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑथर नेम आ जाएगा और इस जगह पे हम लोग अपना इंस्टाग्राम हैंडल या फिर यूट्यूब चैनल दे सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, लर्न विद लियाकत। ओके, तो मैं यहाँ पे हैंडल दे देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है बेसिक सी वीडियो तैयार होगी। अगर हम इसे प्ले करके देखें तो ये कैसे होगा, तो ये कुछ इस तरह का होगा, और इसके पीछे जब हम लोग अपलोड करेंगे म्यूज़िक लगाएंगे तो ये बहुत अमेजिंग हो जाएगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस बॉक्स को पकड़ के थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हैं हम लोग शिफ्ट और ऑल्ट से, ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इसका थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स फाइन। जब आप ये चीज़ कर लें तो उसके बाद आपके पास बल्क क्रिएट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे इंटर डाटा मैन्युअली पुराना डाटा क्लियर कर दें और जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे, इस सारे को कॉपी करें और इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हेडिंग्स हमारी फ्री रह गई हैं, तो हमें क्या करना है, इनको डिलीट करते हैं इस कॉलम रो को। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, कोट्स हैं, और यहाँ पे दूसरे कॉलम में हमारे पास क्या है, ऑथर्स हैं। ओके, सो हम जब यहाँ पे करके इसको डन करेंगे तो अब हमें क्या करना है, इनको डाटे को कनेक्ट करना है। तो कोट को राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट के साथ कोट्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, और ये जो अननोन वाला हिस्सा है इसको राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे और इसको ऑथर से कनेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो ये हमने भी 50 सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद इसे जनरेट 50 स्लाइड्स। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए सारे के सारे कोट्स को लिख देगा और उसमें रिप्लेस कर देगा लाइक दिस। अब हमारे पास यहाँ पे देखें सारे के सारे कोट्स बन गए, पहला अननोन है, और अगर मैं दूसरा प्ले करता हूँ तो यहाँ पे वो विल्स्टन चर्चिल वगैरह जो भी है, अच्छा चर्चिल है, तो वो भी आ गया। थर्ड कोट भी हमारे पास ऐसे ही बन चुका है। अब अगर आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा काम है, एलिमेंट में जाएं और यहाँ पे आप वीडियो सर्च कर लें। ठीक है, आप वीडियो सर्च कर लें, आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ
मोटिवेशन सर्च कर ले, एनीथिंग जो भी आपको चाहिए वीडियोस पे जाएं, और यहाँ पे आप इन वीडियोस को भी ले सकते हैं, आल्सो फिल्टर लगा के इसको वर्टिकल वीडियोस भी कर सकते हैं, तो वर्टिकल वीडियोस आ जाएगी। जो भी आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है, जिस स्क्रीन पे भी चाहिए उस पे क्लिक करें और वीडियो को वहाँ पे फेंकें और उसको राइट क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड कर दें, तो आपका वीडियो वैसे तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत कोट्स को एडजस्ट कर लें, क्योंकि अगर कोट्स के साइजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, कुछ लंबे कोट्स हैं, तो वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, मैन्युअली अपने बैकग्राउंड्स को बदलने, जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है जिस जगह पे उस जगह पे बैकग्राउंड ले जाए, और इसे रिप्लेस बैकग्राउंड करके हुए अपनी सारी चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। तो आपकी ये कोर्स वीडियोस बहुत अमेजिंग तैयार हो चुकी हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, इनको डाउनलोड करना है और इनको यूज़ करना है। और डाउनलोड करने का तरीकाकार बहुत आसान है, आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे MP4, और यहाँ पे डाउनलोड सेपरेट फाइल करेंगे। मैं फ़िलहाल सारी फाइल्स को डाउनलोड नहीं करता, मैं सिर्फ जो पहली तीन हैं उनको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का लगेगा, ताकि बाकी आप बाद में भी देख सकते हैं, खुद डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान काम है कि आप अपने लिए बड़ी आसानी से अपने लिए रील्स वीडियोस बना सकते हैं, जो कि मिनटों का काम है। आपने सिर्फ डाटा लेने हैं, वो आपको ChatGPT ने दे दिया, डिज़ाइन आपने सिर्फ एक टेम्पलेट करना है और उसके बाद आपका काम चल जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें डिफरेंट डिज़ाइंस की, तो ये वाला भी एक डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, दिस वन इज़ आल्सो गुड, कि आप यहाँ पे अपना फोटो लगा के अपना चैनल नेम अपना सारा कुछ और नीचे कोट आपका आ जाएगा। तो बहुत अच्छे डिज़ाइंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारी वीडियोस बन चुकी हैं और अभी हम उनको डाउनलोड कर रहे हैं, और अभी देखते हैं कि हमारी जो वीडियोस हैं उनकी कैसी क्वालिटी बनी है, और अगर हम उनको पब्लिश करते हैं तो कैसा रिजल्ट आएगा। अब जब हमने यहाँ पे बल्क डाटा जनरेट किया है, तो हमने फ़िलहाल 50 का जनरेट किया, आप 100, 200, 300, 500, 1000 जितना आपको चाहिए आप उतना जनरेट कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। ठीक है, लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो हियर इट इज़, और ये हमारी तीन वीडियोज़ है, अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊँ, मज़े का लगेगा, बहुत अच्छा चलेगा, लाइक दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। तो जैसे ही आपको वीडियो चाहिए वैसा लगाएं, जो स्टाइल चाहिए वैसा लगाएं, और अपना इसको यूट्यूब पे अपलोड करें या ही इंस्टाग्राम पे अपलोड करें, तो बहुत आसान काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बल्क क्रिएशन की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मज़ीद इस तरह की ऑटोमेशन वाली वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशंस भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।